नमस्ते दंगल यूट्यूब चैनल में फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलशेखर दुबे और आज महाराणा प्रताप चेतक ट्रेनिंग सेंटर शंभूपुर थाना सराय जिला वैशाली बिहार में आज पहुंचा हुआ हूं और वीडियो में आप सभी लोग देख चुके हैं कि घोड़े का रहने का इंतज़ाम और खाने पीने का इंतज़ाम काफ़ी अच्छा है यहाँ पर और सवार राजेश जी के देख रेख में सभी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और आज हम मिलवाते हैं, अभी देख रहे हैं कि फार्म पे घोड़े का नाखून को बनाया जा रहा है और इसको बना रहे हैं बक्सर के इरफान नलबंद जो कि एक अच्छे बहुत ही अच्छे कारीगर हैं और नन्हे से उम्र से अपने बाबा से ये कारीगरी को सीखे हैं। आइए हम बात करते हैं। अभी ये जो घोड़ा देख रहे हैं सुरंग, ये जौनपुर प्रिंसिपल साहब का घोड़ा है और अभी अभी ये घोड़ा आया है और इसका नाखून का काम हो रहा है। सभी स्टाफ इसको नाखून बनवाने में लगे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं सवार नलबंद इरफान से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल का और आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? हम यही बस 6 या 7 साल से काम कर रहे हैं। 6-7 साल से काम कर रहे हैं। ये बताइए कि आप समय पे पहले पहुंच जाते हैं कि नहीं? समय पे देखिए भैया, हम अगर दूर रहेंगे तो आपसे 2 दिन का टाइम लेंगे, 2-3 दिन का, और पास रहेंगे तो आपको बोल देंगे कि आपको 1-2 दिन में काम कर देंगे आपका। अभी जो समस्या है नलबंद के साथ कि नलबंद बहुत लोग हैं कि बोल के डेट पे डेट देते रहते हैं लेकिन पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन इनका दावा है कि जहाँ मैं बोलता हूँ, हो सकता है कि किसी कामवश 1-2 दिन लेट हो जो टाइम देते हैं, लेकिन मैं पहुँच जाता हूँ। ये बताइए कि आप ऐसे भी घोड़े मिले हैं जो पैर पे मार रहे हो और आप नालबंदी किए तो पैर वो मारना छोड़ दे, काटना छोड़ दे? जी, ऐसा भी घोड़ा मिलता है सब। बहुत ज्यादातर ऐसा ही केस आता है जी कि घोड़ा जो तल्ली मार रहा है, कोई घोड़ा मुट्ठा मार रहा है, कोई घोड़ा ठेवना पे मार रहा है, तो भाई उसके लिए टाइम लगता है। अब एक बार में कोई 2 बार में कहे छुड़ाने के लिए तो हमसे नहीं हो पाएगा। कितना बार? लेकिन 3-4 बार घोड़ा का नालबंदी करेंगे तो घोड़ा छूट जाएगा। ये जो कारीगरी है वो कहाँ से सीखे हैं आप? कारीगरी हम अपने दादा से सीखे हैं। हमारे दादा का नाम बताइए। हमारे दादा का नाम है मोहम्मद साबिर खान, बक्सर। बक्सर जी, हम बक्सर के रहने वाले भी हैं जी। अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 95076-74-052। ठीक है, आप इनका मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ से ले सकते हैं। और ये फार्म के नालबंद हैं और ये उत्तर प्रदेश और बिहार में हर जगह जाते हैं। और अभी यदि आपको इनसे संपर्क करना है तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी मिल जाएगा। स्क्रीन पर अपने मुंह से खुद बोले हैं अपना नंबर, वहां से भी आप निकाल सकते हैं और इनसे संपर्क कर सकते हैं। और यहां पे आप सभी लोग देख रहे हैं कि स्टाफ लगे हुए हैं, घोड़ा को पकड़े हुए हैं और नाल बंधवाने का काम कर रहे हैं। आइए हम लोग स्टाफ से भी बात करेंगे। आज के समय में पूरे हिंदुस्तान में स्टाफ के बदौलत ही किसी भी घोड़े को चलाया जा रहा है या रख रखाव, जो भी स्टाफ के बदौलत ही है, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं पूरे हिंदुस्तान के स्टाफ को। साथ ही में इस सवार राजेश जी के फार्म के स्टाफ को भी कि इतना कितना जितोड़ मेहनत करते हैं। आइए हम जानते हैं आपका नाम क्या हुआ। वो एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुणाल कुमार पड़ेगा। कहाँ से? मोतिहारी से। मोतिहारी से कुणाल कुमार हैं। ये कितने यहाँ पे स्टाफ हैं? यहाँ पर 5 स्टाफ हैं। अभी 5 स्टाफ कुछ छुट्टी पर भी गए हैं? 2 स्टाफ। यहाँ पे कुल मिला के 7 स्टाफ हैं। आप लोग का काम क्या क्या है? हम लोग काम है घोड़ा को खिलाना, मालिश करना और इसका देख रेखाव। ये बताइए कि दिन में 24 घंटे में कितना बार इस घोड़ा को मलते हैं? कोई भी घोड़ा इसको दो बार। एक घोड़ा पे कितना समय देते हैं आप लोग? एक घोड़ा पर हम लोग 2 घंटा समय देते हैं। 2 घंटा समय देते हैं सभी घोड़े पे? मान लीजिए कोई ज़्यादा अच्छा घोड़ा भागने वाला है उस पर ज़्यादा समय मान लीजिए लगेगा, जो कम चलने वाला है या कम चल रहा है उस पर कम भी समय लगेगा? ज़्यादा पास उसमें ज़्यादा समय दिए जाएगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? मुकेश शर्मा। कहाँ से हैं? सराय शंभूपुर। अच्छा, सराय शंभूपुर के हैं, यहीं बगल के रहने वाले हैं। ये बताइए कि घोड़े को यहाँ पे चारा के रूप में, दाना के रूप में क्या क्या दिया जाता है? चन्ना, चोकर, भूसा, घी, मध, कैल्शियम, ये सब दिया जाता है यहाँ पे घोड़े के, मतलब खिलाने के लिए टॉनिक के रूप में काफ़ी
सारा यहाँ पे इंतजाम किया गया है। कैल्शियम बता रहे हैं, मध बता रहे हैं, घी बता रहे हैं, चना बता रहे हैं। तो आइए हम अगले स्टाफ से जानते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर के। आपका नाम? राजकिशोर। राजकिशोर, मन लगता है घोड़े में? कितना दिन से घोड़े का काम कर रहे हैं? 5 साल से कर रहे हैं। 5 साल से कर रहे हैं। और ये बताइए कि अच्छे से इन लोगों का मालिश हो जाता है कि यहाँ पे मालिक से दूर हम मतलब घोड़े भेजे हैं तो शिकायत नहीं आनी चाहिए? नहीं, शिकायत के में कोई बात नहीं, बढ़िया से मलाई झड़ाई होता है ना? तो शिकायत मालिश सब होता है। अभी हम कुछ देर पहले देख रहे थे बाहर जो घोड़े बंधे हैं, सबका सेकाई चालू था लाइन से घोड़े बांध कर, और सभी स्टाफ घोड़ा को सेकने में लगे हुए थे। और भी स्टाफ हैं उधर, तो उनसे भी अगर मुलाकात हो जाएगी तो उनसे भी बात होगी। अभी यहाँ पे 3 स्टाफ हैं, 2 स्टाफ और भी घोड़े को देख रहे हैं। यहाँ पे कुल 7 स्टाफ हैं, 2 स्टाफ छुट्टी पे गए हैं। तो काफ़ी सारा इंतजाम है इस फार्म पर। अगर किसी भाई को अपना घोड़ा तैयार कराना हो, यहाँ भेजना हो, तो आप मोबाइल नंबर राजेश जी का इस स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप सभी लोग उनसे बात कर सकते हैं, अपना घोड़ा भेज सकते हैं, रेस के लिए तैयार करा सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का पहला ऐसा घोड़ा फार्म है जो कि चाल वाले घोड़े को तैयार किया जाता है, और चाल वाले ही घोड़े यहाँ पे अभी पहुँचे हैं। आगे का तो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है यहाँ पे, यहाँ का सर्टिफिकेट टेक लेना, और भी अभी तो फिलहाल में घोड़ा का मतलब चाल का ही ट्रेनिंग दिया जाता है। जो भी घोड़े या तो बदतमीज हैं या कम चल रहे हैं या कहीं सवार नहीं पहुंच पा रहे हैं अपने आपके दरवाजे पर, तो हैं आप घोड़ा भेज सकते हैं, और काफ़ी मुनासिब दाम भी रखे हैं, इसका फीस भी है। वीडियो में आप सभी लोग देखे होंगे, सब वो बताए हैं कि कितना फीस है। तो आप सभी लोग यहाँ का वीडियो देखते रहिए, मेरे साथ चैनल के साथ बने रहिए। और यहाँ पर फार्म पर डॉक्टर का भी टीम है, उनसे भी मैं मिलवाऊंगा। आप तब तक इंतज़ार करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।